राजनीति में विरासत की सियासत की परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन जन्मदिन पर ऐसी सियासत कम ही देखने को मिलती है। जन्मदिन पर किसी को विश करना अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक हित साधने के लिए शुभकामना देना दूसरी बात है। पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा अपना ये जन्मदिन कभी नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और ममता बनर्जी तक ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। अब ये इन नेताओं की राजनीतिक मजबूरी है या देवगौड़ा के प्रति सम्मान, ये बताने की जरूरत नहीं है। कर्नाटक में जारी सियासी नाटक के बीच देवगौड़ा का जन्मदिन भी हुआ खास। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी शुभकामना। राहुल ने फोन पर देवगौड़ा से की बात। चुनाव प्रचार के दौरान निजी हमले के लिए मांगी माफी। राजनीति अपनी जगह और व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह। कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के बीच राजनीतिक घमासान जारी है। जेडीएस बीजेपी पर उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप भी लगा चुकी है। प्रति विधायक 100 करोड़ ऑफर देने का आरोप लगाकर कुमार स्वामी ने सनसनी भी फैला दी। इस सब के बीच जेडीएस सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पूर्व पीएम को बर्थडे विश किया है और साथ ही सॉरी भी बोला। पीएम ने ट्वीट किया है कि मैंने पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा से बात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए कामना करता हूं। पीएम के इस ट्वीट पर कईयों ने सवाल भी किया है कि पहले तो पीएम ने उन्हें कभी विश नहीं किया, तो इस बार क्या कर्नाटक चुनाव में फायदा लेने के लिए ऐसा किया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पूर्व पीएम को विश किया। उन्होंने देवगौड़ा को फोन कर उनकी सेहत के बारे में जानकारी भी ली। सूत्रों के मुताबिक 10 मिनट तक चली इस बातचीत में राहुल ने देवगौड़ा से चुनाव प्रचार के दौरान व्यक्तिगत हमले करने के लिए भी माफी मांगी। साथ ही दोनों ने कर्नाटक में साथ मिलकर लड़ने की बात भी दोहराई। बाद में राहुल गांधी ने ट्वीट कर भी देवगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी। बता दें कि जेडीएस का गढ़ कहे जाने वाले ओल्ड मैसूर में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने देवगौड़ा पर निजी हमले किए थे और जेडीएस को बीजेपी का बी टीम करार दिया था। जेडीएस का फुल फॉर्म जनता दल सेक्युलर नहीं बल्कि जनता दल संघ बताया था। बाद में पीएम मोदी ने देवगौड़ा की तारीफों के पुल बांधते हुए इसको लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि पीएम मोदी ने जेडीएस को लुभाने के लिए देवगौड़ा की तारीफों के पुल बांधे हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर देवगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ममता के ट्वीट को भी राजनीतिक बताते हुए लोगों ने याद दिलाया है कि ममता गैर कांग्रेस गैर बीजेपी तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उन्होंने पहले देवगौड़ा और उनके बेटे एचडी कुमार स्वामी से मुलाकात भी की थी। पूर्व पीएम देवगौड़ा के लिए यह जन्मदिन यादगार रहेगा जब पीएम से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष उन्हें बर्थडे विश कर रहे हों। वजह चाहे राजनीतिक ही हो, वरना इससे पहले कहां किसी को पता था कि देवगौड़ा का बर्थडे कब है। वाकई सत्ता का लालच जो ना कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।